ये बंदा मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा भाई, टी शर्ट वाला ये बंदा। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी को। तो भाई अभी उठाऊं, सुबह के 7:17 हो गए हैं और जिम के लिए रेडी भी हो गया हूँ। खैर, 7:00 उठा था मैं और सूखे बादाम खा रहा हूँ। और जिम में बच्चे आ चुके हैं, कह रहे थे कि 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो अभी जाऊँगा सीधा जिम पैदल पैदल, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर और कमरे के अंदर ही लग रही है मुझे तो ठंड। कोहरा आया हुआ है, कोहरा किसको बोलते हैं, धुंध जो वाइट वाइट होती है। और अभी भाई निकलता हूँ सीधा फटाफट से। कोहरा देखो भाई, कोहरा जैसा ये कोहरा है उतनी ठंड भी है भाई बाहर। तो भाई जिम से तो लियो फ्री में, लेकिन आज मंगलवार है तो मुझे जाना है फिलहाल बंदरों को केले डालने, और उसके लिए पहले केले खरीदने जाना है। तो दिव्य मदान है साथ में, हम जा रहे हैं अभी केले खरीदने सीधा हिसार से। वैसे तो हिसार ही रहते हैं भाई। तो भाई बनाना खरीद लिए हैं बंदरों के लिए, मौज करेंगे आज तो। और जहां जहां हमें बंदर मिले हमने उनको केले खिला दिए, लेकिन भाई केले अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। और हम 3-4 लोकेशन पे जाए लेकिन बंदर मिल ही नहीं रहे, आज नहीं मिल रहे, क्या करें, खुद तो नहीं खाएंगे यार, मैंने तो खिलाने के पर्पज से लिए थे। तो भाई गायों को खिला देते हैं, गायों को खिलाने दे, बंदरों को है। बंदरों को खिलाने हैं, पर कहाँ ढूंढे हैं बंदरों को, गायों के लिए तो चारा होता है ना, गायों के लिए चारा, केले भी खिला सकते हैं, चारा तो डेली खाती है गाय। तो जिम थोड़ी जाना, बंदरों ने जिम जाना है, हनुमान जी जिम जाते थे, हनुमान जी जिम जाते थे। सो गाइस देखते हैं यार क्या करें, क्योंकि हमारे पास कम से कम अभी भी 5 दर्जन केले बचे हुए हैं, और सोचते रहो मैं बंदरों की उसको खिला देते हैं गायों को, बाकी भाई साहब से बात करते हैं, जैसे भी होगा दिखाते हैं। गाइस बंदरों और गायों को खिलाने के बाद हमें लगी भूख, तो मैं और दिव्य मैदान आ गए हैं अपना खाना खाने के लिए। रूम पे पहुंच गया भाई और ये क्रेट ले आया। पता है क्या हुआ, मैं जहाँ पे केले लेने गया था ना, वहाँ पे वो भाई बोला कि पॉलीथीन में डाल के दूंगा। मैंने कहा पॉलीथीन में तो फिर दर्जन की दर्जन आएगी, मैंने कहा क्रेट दे दो, क्रेट में तोड़ तोड़ के पैक कर दो। तो उसने भाई एक एक केले को तोड़ के और क्रेट में पैक कर दिया, फिर बोला क्रेट के चार्जेस अलग लगेंगे। मैंने कहा भाई तेरी वापस ला देंगे, बोला ना 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 ले जाओ, 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा, मैं चल दे दे, क्योंकि आगे भी जब जाएंगे ना तो इसी के अंदर डाल लेंगे केले। और अभी फिलहाल मुझे क्या क्या करना पता है, मुझे पहले तो रूम की सफाई करनी है बिल्कुल अच्छे से, और गर्म पानी लगाना है, और सारा कचरा जो है वो डस्टबिन से बाहर फेंक के आना है। तो ये सारे काम करके मिलते हैं फटाफट से ऑफिस जाने से पहले आपको। तुम्हारा भाई हो गया ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी, और अभी सिर्फ एक काम करना है, अपने बैग टांगना है और जय हो हेलमेट पहनना है। तो निकलता हूँ फटाफट से ऑफिस, जाके मिलता हूँ आपको सभी को, बाय बाय। ऑफिस पहुँच गया मैं, रूम पे आ गया भाई मैं फाइनली, और बाल देखो कैसे हो गए हैं। और भाई आते हुए मैं ले आया था अपने किन्नू, यानी कि संतरे जो होते हैं रेड कलर के, एंड बनाना, क्योंकि आज मंगलवार है और आज मैं खाऊंगा भाई किन्नू और केले, क्योंकि आज एग तो बना नहीं सकता मैं भाई, मैं खा सकता। वीडियो तुम्हारे भाई ने एडिट कर ली है और जिम के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आज जिम बैग लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे हैं ग्रिप, नी कैप, रिस्ट बैंड और एल्बो बैंड। तो अभी सीधा जा रहा हूँ लाइब्रेरी, पहले वीडियो अपलोड करनी है जो आज मैंने एडिट करी है, यानी कि आज का 109वां व्लॉग, और 110वां ये है जो मैं आज शूट कर रहा हूँ। और ले लिए बादाम, बादाम खाऊंगा और पैदल पैदल जिम जाऊंगा, क्योंकि यार रात को ठंड हो जाती है इसलिए रात को बाइक चलाई नहीं जाती।
लाइब्रेरी में मिलते हैं दोस्त। सो वीडियो अपलोड होगी और तुम्हारा भाई पहुंच गया जिम, क्योंकि मोहित सर आ चुके हैं नीचे। मोहित सर का व्हीकल खड़ा था तो मैंने अंदाजा लगा लिया मैं क्या आ चुके हैं। बॉस फोन आने वाला है, इससे पहले पहुंच जा। नो वेरी गुड दस शाबाश वेरी गुड। मोहित सर का एक्सरसाइज खत्म हो गई थी और मैं ये बंदा मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा, वाइट टी शर्ट वाला ये बंदा ये। सो मोहित सर की एक्सरसाइज खत्म हो गई थी और मैं रूम पे चला गया था कैप लेने के लिए, क्योंकि सर्दी हो गई है। तो फिर सोचा अपनी बाइक भी ले जाऊं और खाना मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आज मंगलवार है, अंडे मैं खा नहीं सकता शाम को। सो खाना बोल दिया अंकल जी का, जो अपना होममेड लगता है उधर ललित इन द हाउस में भी, इसको अब मैंने बता दिया इंट्रो करा दिया, गाने नहीं चलाने दे रहा। एंड ऑल्सो बुरा गैंग इन द हाउस, करते हैं वर्कआउट ट्राइसेप्स का ललित के साथ। हमारा आज का वर्कआउट खत्म हो गया है, ललित जा रहा है और अभी मैं भी निकल रहा हूँ भाई अपनी कैप पहन के, और रास्ते में से खाना भी उठाना है। वो अंकल जी को ऑर्डर दे रखा है कि अंकल जी खाना पैक कर दो, तो बोले ठीक है आ जाओ। उनका फ़ोन भी आ लिया ऑलमोस्ट, और 10:30 हो गए हैं, 10:29 हो गए हैं। अभी फटाफट से निकलते हैं भाई। अंकल जी खाना पैक हो गया देना। और फिर बाउल वगैरह चाहिए? बाउल दे दो, है तो है क्यों नहीं, दो बाउल दे दो बस। शुक्रिया। सो फाइनली भाई रूम पे पहुंच चुका हूँ और खाना ले आया अंकल जी से। एंड बालों की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है भाई। शुक्र है तो आज मैं कैप लेके चला गया, कान थोड़े से बच गए मेरे, अदरवाइज़ नाक और मुंह तो बहुत ठंडा हो चुका था। एंड अभी फटाफट से खाएंगे खाना और बाकी कल के व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।